हेलो, वेलकम टू ग्रेट एकेडमी प्लस। तो देखिए, आज अपन शुरू करने वाले हैं मॉड्यूल टू ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स। इलेक्ट्रिकल मशीन्स का मॉड्यूल टू शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए, मॉड्यूल वन में मैंने आपको जो पढ़ाया था, उसमें मैंने पढ़ाया था आपको बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिक सर्किट्स के बारे में। ठीक है, तो उसमें जो बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिक सर्किट जो आप उसमें पढ़े, तो उसमें जो बेसिक बेसिक क्वांटिटीज थी, फ्लक्स था, करंट था, वोल्टेज, रिलक्टेंस, MMF, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सारी क्वांटिटीज़ को MMF पढ़ा था। ये सारी क्वांटिटीज़ को अपन ने बहुत अच्छे लेवल पे, इसके पहले का जो पहला मॉड्यूल था अपन का मैग्नेटिक सर्किट्स, बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिक सर्किट्स, उसमें मैंने डील किया था। उसमें मैंने बोला था उसको मॉड्यूल वन, दिस इज गोइंग टू द मॉड्यूल टू, और यहाँ से जो शुरू होने वाला है, जो जितना जो सिलेबस अभी इसके आगे अपन कंटिन्यू करेंगे, द एंटायर सिलेबस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इसेंशियल फॉर योर इलेक्ट्रिकल मशीन्स कोर सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि इसमें जितने भी मशीन्स अब आएंगे आगे, तो ऑल दिस मशीन्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करिकुलम एज वेल एंड फॉर द डिफरेंट एग्जामिनेशन अबाउट विच आई हैव डिस्कस इन दी वेरी फर्स्ट लेक्चर, वाई दिस सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट इसमें। ठीक है, तो मैं बता दूं पहले कि इंट्रोडक्शन टू ट्रांसफार्मर में अपन पढ़ने क्या वाले, कि ट्रांसफार्मर की जरूरत क्यों पड़ती है अपन को, क्या बोल रहा हूँ मैं, ट्रांसफार्मर की जरूरत क्यों पड़ती है और ट्रांसफार्मर पढ़ना क्यों चाहिए, मतलब इसकी जो जरूरत है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, पहले अपन उसके बारे में देख लेते हैं, उसके बाद उसका पूरा वर्किंग प्रिंसिपल वगैरह जो भी कुछ हो, उसके टाइप्स वगैरह सारे के सारी बातें अपन उसके बारे में उसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, मैं पहले बता दूं कि ट्रांसफार्मर की जरूरत क्यों पड़ी है, ट्रांसफार्मर की जरूरत क्यों पड़ी है, पहले ट्रांसफार्मर देख लेते कैसा होता है। ठीक है, दिस इज ट्रांसफार्मर, क्या है, दिस इज नथिंग बट ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब इसमें आपको ये देखना है, ये वाला जो चैप्टर है ट्रांसफार्मर, इसमें अपन को देखना है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, आपके पास जो वोल्टेजेस और करंट है, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो वोल्टेजेस और करंट के जो वैल्यूज है, इनके वैल्यूज को अगर अपन को चेंज करना होगा, क्या अगर बोल रहा हूँ मैं, इसके वैल्यूज को अगर अपन को चेंज करना होगा, तो इसकी वोल्टेज और करंट को चेंज करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाएगा, जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा, दैट इज नथिंग बट एन ट्रांसफार्मर, दैट इज नथिंग बट वॉट, उसको बोले तुम ट्रांसफार्मर बोलोगे। ठीक है, अब इसका वोल्टेज किस तरीके से इंक्रीज करोगे, किस तरीके से डिक्रीज करोगे, उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सारी बातें जब उसका टाइम आएगा तब अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन ट्रांसफार्मर की जरूरत क्यों पड़ी, ये पहले मैं बता दूं कि जब आपको वोल्टेज का वैल्यू इंक्रीज करना है या करंट का वैल्यू इंक्रीज करना है, तो उसके लिए अपन यूज़ करेंगे ट्रांसफार्मर को, उसके लिए अपन क्या करेंगे, यूज़ करेंगे ट्रांसफार्मर। देखिए, अब अपन पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर की जरूरत क्यों पड़ी, वाई डज इट रिक्वायर द ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, आपके पास क्या होता है, जब आप पावर सिस्टम पढ़ोगे तो उसमें आप एक बात सुनोगे कि वोल्टेजेस आर जनरेटेड एट दिस एंड दिस लेवल। ठीक है, सपोज अगर मैं बताऊँ कि मेरे पास एक यहाँ पे एक जनरेटिंग स्टेशन है, क्या है मेरे पास, यहाँ पे एक जनरेटिंग स्टेशन है। ठीक है, यहाँ पे एक जनरेटिंग स्टेशन है, ठीक है, यहाँ पे जनरेटर लगा है और यहाँ पे जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है, दिस वोल्टेज इज प्रोड्यूस एट 11 kV, दिस वोल्टेज इज प्रोड्यूस एट व्हाट, 11 kV। ठीक है, अभी इस वोल्टेज को मुझे ट्रांसफर करना है, सपोज अगर मैं बताऊँ कि मैं छत्तीसगढ़ की एग्जाम्पल लेके बात कर रहा हूँ, हमारी जो लेक्चर जहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है, अब हम फिलहाल राइट नाउ भिलाई में हैं, सपोज मेरे पास अब भिलाई में जो जनरेटिंग स्टेशन है, इट इज़ प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 11 kV, इट इज़ प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ व्हाट, 11 kV। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस इलेक्ट्रिसिटी को मुझे ट्रांसफर करना है, मुझे क्या करना है, इस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करना है, इट मीन्स नथिंग बट सपोज दिस वोल्टेज इज जनरेटेड एट 11 kV और मुझे इस 11 kV को अगर ट्रांसफर करना है नागपुर की ओर ट्रांसफर करना है, सपोज नागपुर हमारे यहाँ से 200-250 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ से 11 kV को अगर नागपुर की ओर अगर सपोज ट्रांसफर करना है, तो इस वोल्टेज को मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको बढ़ा दूंगा, 11 kV से मैं ज़्यादा उसको ज़्यादा वोल्टेज पे लेके जाऊँगा, एट वेरी हाई वोल्टेज। ठीक है, मैं उसको लेके जाऊँगा, इसका मतलब क्या, इस वोल्टेज को मैं क्या कर दूंगा, इस वोल्टेज को मैं एक डिवाइस है कि जिस डिवाइस को यूटिलाइज करके मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं
इंक्रीज कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या करने वाला हूँ मैं, वोल्टेज को बढ़ा दूंगा, क्या कर दूंगा, वोल्टेज को बढ़ा दूंगा। और ट्रांसफार्मर के बारे में जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो आपको एक बात पता चल जाएगा, जब मैं वोल्टेज को बढ़ा दूंगा एट द सेम टाइम इसका करंट जो होगा, करंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब जब करंट रिड्यूस हो जाएगी तो उस टाइम पे जो आपके पास आई स्क्वायर आर लॉसेस आने वाले होंगे वो लॉसेस कम हो जाएंगे। अगर लॉसेस कम हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर लॉसेस आपके पास कम हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूव हो जाएगा। वोल्टेज रेगुलेशन तो इंप्रूव होगा, प्लस इफिशियंसी आपकी बढ़ जाएगी, प्लस क्या हो जाएगा, इफिशियंसी बढ़ जाएगी। तो भाई देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है, वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूव्स, ठीक है। उसके बाद इफिशियंसी क्या हो रही है, इफिशियंसी इंक्रीज हो रही है, इफिशियंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब मैं वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को बढ़ा के जब मैं उसको ट्रांसफर करूँ तब, जब वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को बढ़ा के जब मैं उसको ट्रांसफर करूँगा तब, तभी ये पॉसिबल है कि, तभी ये क्या है, तभी ये पॉसिबल है कि मेरे पास जो करंट होगा, करंट डिक्रीज हो जाएगा। करंट डिक्रीज होने की वजह से आई स्क्वायर आर लॉसेज जो होंगे क्या होंगे, आई स्क्वायर आर लॉसेज जो होंगे मेरे पास यहाँ पे, वो लॉसेज क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि करंट डिक्रीज हो जाएगा, आई स्क्वायर डेफिनेटली डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद वोल्टेज रेगुलेशन जो होगा इसके पहले, तो वो वोल्टेज रेगुलेशन भी इंप्रूव हो जाएगा। वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। मतलब क्या, जहाँ जनरेटिंग स्टेशन से लेकर नागपुर तक, या कोई जो नागपुर तो मेरे पास बहुत आगे फिलहाल, तो यहाँ पे तो एक मैंने डिवाइस कनेक्ट किया है बस, कि जिसके जरिए मैं इस वोल्टेज को बढ़ाने वाला हूँ, जिसके जरिए क्या है, मैं इस वोल्टेज को बढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर सपोज मैं पहले नागपुर तक उसको लेके जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास और एक डिवाइस है, ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्टली नागपुर साइड आ गया, क्या है, सपोज डायरेक्टली नागपुर आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगाया कि जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मैंने इस वोल्टेज को बहुत बढ़ा दिया, 11 kV से। सपोज अगर मैं उसको डायरेक्टली 132 kV तक लेके गया, सपोज अगर मैं उसको 11 kV से 132 kV तक लेके गया, 11 kV से मैं डायरेक्टली उसको 132 kV कहाँ तक, 132 kV तक मैं अगर सपोज उसको लेके गया, 132 kV तक मैं उसको डायरेक्टली इतना क्या कर दिया, स्टेप अप कर दिया, तो यहाँ की जो वोल्टेज हो जाएगी इस साइड की, वो वोल्टेज हो जाएगी 132 kV, और इस साइड की जो वोल्टेज होगी वो हो जाएगी मेरे पास 11 kV। लेकिन यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट मैं यूज़ करने वाला हूँ, इस इंस्ट्रूमेंट को मैं बोलूँगा ट्रांसफार्मर, उस इंस्ट्रूमेंट को मैं क्या बोलूँगा, ट्रांसफार्मर। क्यों? क्योंकि यही एक इंस्ट्रूमेंट है कि विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट यू कैन इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज फ्रॉम 11 kV टू 132 kV बाय एडजस्टिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर, बाय एडजस्टिंग द व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर। अब इसके नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं ये फिलहाल आप बिल्कुल भी उसके बारे में कुछ टेंशन मत कीजिएगा, जब उसका टाइम आएगा तो मैं बता दूंगा। बस मुझे पहले एक बात बताने की जरूरत है आपको कि इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, तो आपको पता चल रहा होगा कि ट्रांसफार्मर का रोल यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है, ट्रांसफार्मर का रोल यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि सर ये तो ठीक है कि आप उसको 132 kV तक लेके आए, लेकिन ये जो वायर है उसके जरिए ये 132 kV से लेके यहाँ तक आ गया, तो यहाँ की वोल्टेज कितनी बन जाएगी, यहाँ की वोल्टेज बन जाएगी 132 kV, यहाँ की वोल्टेज कितनी बनेगी, 132 kV बनेगी, कितने बनेगी बेटा, 132 kV बन जाएगी, ठीक है। तो ये जो 132 kV, आप में से कुछ लोग सोचेंगे सर ये वाली जो लाइन है तो बहुत लंबी लाइन हो सकती है, तो इन दोनों के बीच में कुछ ड्रॉप भी तो होगा, डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन सपोज अगर मैं आइडियल लाइन मान के चलूँ, या सपोज ऐसी लाइन है कि जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही छोटा है, तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप भी बहुत छोटा होगा, तो उसमें क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप भी बहुत छोटा होगा। अगर इसमें वोल्टेज ड्रॉप छोटा होगा तो मुझे एक बात बोलिए, यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी दैट वोल्टेज विल बी अप्रॉक्सिमेटली इक्वल्स टू 132 kV आएगा, उसके आसपास तो आएगी, 132 kV तो आसपास आएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे मैं उसको 132 kV से, यहाँ पे भी एक ट्रांसफार्मर होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, एक यहाँ पे भी एक ट्रांसफार्मर होगा भाई, और इस ट्रांसफार्मर की हेल्प से मैं क्या करूँगा, मुझे एक बात बोलो, अगर मैं सिटी नागपुर साइड की ओर डायरेक्टली, मगर सपोज नागपुर का जो मतलब लोकलाइज्ड एरिया, वहाँ पे अगर मुझे डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है, तो भाई डायरेक्टली थोड़ी ना मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर सकता हूँ, मतलब वहाँ पे डायरेक्टली 132 kV कौन लेगा, उसका इतना सप्लाई किसकी ज़रूरत है 132 kV पे, नॉर्मल जो कंज्यूमर है अपन के रेजिडेंशियल कंज्यूमर को बिल्कुल ज़रूरत नहीं। रही बात किसकी, रही बात अगर सपोज मैं कॉम्प्लेक्स जो होते कि हॉस्पिटल की बात करूँ या किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन की, उनको भी 132 kV इतना सबस्टेशन मतलब इतने हाई वोल्टेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको थोड़े कम वोल्टेजेस की ज़रूरत पड़ती। अब कितने की ज़रूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग अपन इस ट्रांसफार्मर का रेटिंग सेट करेंगे। अब देखिए कितने की ज़रूरत पड़ेगी, अब मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर यूज़ करने वाला, उस ट्रांसफार्मर का रेटिंग होगा 132 kV बाय 11 kV। कितना होगा इस ट्रांसफार्मर का रेटिंग, इस ट्रांसफार्मर का रेटिंग होगा 132 kV बाय 11 kV। मतलब क्या, ये जो ट्रांसफार्मर होगा उसका प्राइमरी साइड का वोल्टेज होगा 132 kV,
और सेकेंडरी साइड का वोल्टेज होगा 11 kV। अब प्राइमरी किसको बोलते हैं, सेकेंडरी किसको बोलते हैं, ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बस फिलहाल आपको उसको बस इतना समझ में चलेगा कि ऐसा होता है, बाकी की चीज़ें सब कुछ क्लियर हो जाएगा आगे चलने के बाद, ठीक है। तो दिस वोल्टेज इज गोइंग टू बी 132 kV एंड दिस इज गोइंग टू बी वॉट 11 kV, ठीक है। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे सर यहाँ पे ठीक है 11 kV आ गए, अब 11 kV जिसको जिसको जरूरत होगी 11 kV की, वो लोग क्या कर सकते हैं, देखिए अब 11 kV की जिसको जिसको जरूरत होगी वो लोग वहाँ से टैपिंग कर सकते हैं, डेफिनेटली वहाँ से क्या कर सकते हैं, लोग टैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा उसको आगे लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे जिसको जिसको ज़रूरत है, सपोज़ कि जो बड़े बड़े मॉल्स है, उसके बाद अगर सपोज मैं बताऊँ कि जो बहुत बड़े बड़े रेजिडेंशियल कंज्यूमर है, हो सकता है अगर जिनके पास खुद का ट्रांसफार्मर होगा तो वो लोग उसको उस तरीके से डायरेक्टली 11 kV भी ले सकते हैं, ठीक है। उसको सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर है, अगर सपोज मैं मान लूँ LD कंज्यूमर भी उनको बोलते हैं, ठीक है। LD कंज्यूमर मतलब 11 kV होल्ट उनके लिए बहुत कम है ना। तो देखिए आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि सर यहाँ पे जो 11 kV आ रहा है, 11 kV तो डायरेक्टली नागपुर के, मतलब सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ कि नागपुर की जो रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ पे अगर मुझे प्रोवाइड करने की जरूरत है तो मैं डायरेक्टली 11 kV थोड़ा ना प्रोवाइड करूँगा। 11 kV कौन लेगा भाई, कोई नहीं लेगा 11 kV, किसको जरूरत है, किसी रेसिडेंशियल कंज्यूमर को इतनी हाई वोल्टेज की बिल्कुल जरूरत नहीं। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे और एक ट्रांसफार्मर लगा देंगे, उस ट्रांसफार्मर के जरिए क्या करेंगे अपन इस 11 kV को और कम कर देंगे, सो डैट जो कंज्यूमर होंगे वहाँ के वो कंज्यूमर क्या होंगे उसको लेने के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं, मतलब क्या वो इतना वोल्टेज के साथ खेल सकते हैं, इतना वोल्टेज वो ले सकते हैं। तो दिस इज़ वॉट अनदर ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब ये वाला जो ट्रांसफार्मर होगा, इस ट्रांसफार्मर के जरिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस 11 kV को मैं क्या करूँगा, इस 11 kV को मैं और स्टेप डाउन कर दूंगा और इसका रेंज होगा, मतलब इसका जो रेटिंग होगा वो होगा 11 kV बाय 0.440 kV, कितना 0.440 kV होगा, इसका मतलब क्या, दिस इज नथिंग बट 440 kV या 415 kV, कितना 415 या 440 वोल्ट, दोनों में से कोई भी एक रेंज है, सपोज मैं बस बता रहा हूँ ऐसा, ठीक है, इस तरीके से। तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आपके पास थ्री फेज ट्रांसफार्मर की बात मैं कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो आपके पास यहाँ से जो ट्रांसफार्मर होगा, इस ट्रांसफार्मर के साथ जो आएगा आपके पास, यहाँ पे देखिए जो लाइन्स आती है इस तरीके से आती है लाइन, ये लाइन देखिए किस तरीके से आती है, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो यहाँ से जो शुरू हो रहा है पूरा का पूरा नागपुर शुरू हो गया, यहाँ पे क्या शुरू हो गया, नागपुर साइड अपन चले गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या आपके पास सपोज नागपुर है, तो अब यहाँ पे होगा क्या, ये जो आपके पास है ना, ये क्या आपके पास, दिस इज नथिंग बट आर, दिस इज नथिंग बट वाई, दिस इज नथिंग बट वाट बी, एंड दिस इज नथिंग बट वाट, दिस इज नथिंग बट एन। तो आपके पास थ्री पे सप्लाई आ गया विथ न्यूट्रल, कैसे आ गया, थ्री पे सप्लाई आ गया विथ न्यूट्रल, इतना समझ में आ रहा है। तो आप में से कुछ लोग बताएंगे कि सर अगर ये थ्री पे सप्लाई आ गया मेरे पास तो यहाँ पे कंज्यूमर उसको किस तरीके से लेंगे, अरे भाई क्या करना है, अब सिंगल पे सप्लाई तो आपको टैपिंग करने की जरूरत है, सिंगल पे सप्लाई कैसे ले लोगे, यहाँ पे आर फेज ले लीजिए और एक एन फेज ले लीजिए, एन ले लीजिएगा और एक वाई ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो कंज्यूमर होगा उसका जो भी कुछ ऑपरेशन होगा, इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन जो उसको परफॉर्म करने की जरूरत होगी, राइट नाउ ही कैन ऑपरेट विद दिस वन, क्या कर सकते हो, मतलब क्या जो उसको ज़रूरत है 230 वोल्ट सप्लाई की, उसके साथ अब क्या कर सकते हो, आराम से डील कर सकता है। लेकिन इसमें क्या हुआ, मैं सप्लाई कहाँ से लाया, वोल्टेज देखिए मैं कैसे क्या कर रहा, मैंने बिलाय में उसको जनरेट किया, कितने वोल्टेज पे, 11 kV पे जनरेट किया, और मैं उसको नागपुर में आराम से बैठ के, घर बैठ के मैं क्या कर रहा, मेरा फैन चला रहा हूँ अभी 230 वोल्ट जो उसके सिंगल पे सप्लाई, उतना सप्लाई दे के आराम से मैं उसको परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक बात पता चले कि भाई अगर अपन को सपोज पावर को ट्रांसफर करना होता है, मतलब वोल्टेजेस को ट्रांसफर करना है सपोज, या करंट को ट्रांसफर करना है एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक, तो उसके बीच में जो ट्रांसमिशन लाइन होगी, जो वायर होगी, उन वायर के बीच में अगर मैं सपोज ट्रांसफार्मर को लगा दूँ तो ट्रांसफार्मर क्या कर सकता है, उसके वोल्टेजेस जो होंगे, उसके जो मैग्नीट्यूड होंगे, उसके मैग्नीट्यूड को कम और ज़्यादा कर सकता है, उसके मैग्नीट्यूड को क्या कर सकते हैं, कम और ज़्यादा कर सकता है। अभी उसके मैग्नीट्यूड को कम कब करेगा और ज़्यादा कब करेगा, ये उसका टाइम जब आएगा तो डेफिनेटली मैं उसको बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं उसका जब प्रिंसिपल बताऊंगा, वर्किंग प्रिंसिपल, तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह सारी चीज़ें आएंगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि वोल्टेज कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, करंट अगर कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज अगर कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसमें सारी चीज़ें आप आराम से पता चल जाओगे। लेकिन एक बात क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए तो आपको एक बात पता चली होगी, देखिए यहाँ पे जो पढ़ा है मैंने यहाँ क्या बोला, मैंने बोला कि जनरेटिंग स्टेशन है, तो ये क्या मेरे पास, दिस इज नथिंग बट जनरेटिंग स्टेशन है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, जनरेटिंग स्टेशन। यहाँ पे ये जो जनरेटिंग स्टेशन है, जनरेटिंग क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है भाई, क्या हो रही है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। वैसे अगर बताया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर रहे, बस वो कन्वर्जन होता है, क्या होता है, कन्वर्जन होता है, कोल होता है, कोल में से क्या करते हैं आप, इलेक्ट्रिक फॉर्म में उसको लेके आते हैं और कुछ नहीं,
पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो जनरेटिंग स्टेशन है तो उसको मैं क्या बोल दूँ, जनरेटिंग स्टेशन बोल दूँ, या उसको मैं बोल सकता हूँ जनरेशन, क्या बोल सकता हूँ मैं उसको, जनरेशन बोल सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक सपोज ये वाला जो ट्रांसफार्मर, दोनों ट्रांसफार्मर लगे उसके बीच की अगर मैं बात करूँ, तो उसके बीच में देखिए क्या क्या लगेगा, जो लगेगा उसको मैं बता देता हूँ। दीज आर द ट्रांसफार्मर्स विच आर कनेक्टेड इन बिटवीन दिस टू स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन, और इसको तुम बोलोगे ट्रांसमिशन, इसको ये जो मैं निकाल रहा हूँ उसको तुम बोलोगे क्या, ट्रांसमिशन। दिस विल नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट ट्रांसमिशन, ये क्या आपके पास, दिस इज ट्रांसमिशन। तो सर ये तो आराम से कह दोगे ना आप, तो क्या भाई है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या आपके पास, दिस इज नथिंग बट व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये आ गया आपके पास भाई डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या आपके पास, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आप में से जो लोग सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के लोग हैं उन्होंने तो आराम से पहचान लेगा, सर हम जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं ना इसको तो हम पीएसए वन में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं, पीएसए वन में पढ़ते हैं। अरे भाई मुझे एक बात बोलो, अगर पीएसए वन भी अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको क्या समझ में आना चाहिए, आपको क्या समझ में आना चाहिए, ट्रांसफार्मर पता होना चाहिए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, बिल्कुल। तो सर यहाँ पे देखिए जो ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन के बीच में आपने दो ट्रांसफार्मर यूज़ किया है, और यहाँ पे आप पावर को ट्रांसफर कर रहे हैं एट वेरी हाई वोल्टेजेस, एट वॉट, वेरी हाई वोल्टेज। तो सर यहाँ पे जो दोनों ट्रांसफार्मर आप यूज करोगे ना उसको तुम पावर ट्रांसफार्मर बोलोगे, उसको क्या बोलोगे तुम, पावर ट्रांसफार्मर बोलोगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या बोलोगे, पावर ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो देखिए भाई ये वाला जो ट्रांसफार्मर है, ये वाला और ये वाला, इनको तुम बोलोगे क्या, दिस आर नथिंग बट वॉट, दिस आर नथिंग बट पावर ट्रांसफार्मर्स, क्या बोलोगे, पावर ट्रांसफार्मर्स, ठीक है। और ये कौन सा है, अरे भाई ये तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पे आप यूज कर रहे हो उसको, कहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे, सेंटर पे, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो होगा आपके पास, ठीक है, वहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा भाई, डिस्ट्रीब्यूशन पे जो ट्रांसफार्मर इसको लोगे तुम, उसको तुम बोलोगे व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, उसको तुम क्या बोलोगे, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। कभी भी याद रखना दोनों ट्रांसफार्मर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है जब और ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पावर ट्रांसफार्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। अब जब मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज के लिए अपेयर करोगे तब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ओरल्स में आप जो वाइवा वगैरह देते हैं कॉलेज लेवल पे उस टाइम पे भी बहुत बार सेमेस्टर एग्जाम में, मतलब सेमेस्टर के जो ओरल्स होते हैं उसमें भी ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस। फिलहाल तो मैंने कुछ नहीं बताया, मैं बोला हूँ आपको कि जब उसका टाइम आएगा तो सब सारी चीज़ें बताऊंगा, ये फिलहाल तो बस इंट्रोडक्शन टू द ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर की जरूरत कहाँ पे पड़ने वाली थी, तो मेरे हिसाब से आपको एक बात अच्छे से पता चलेगी कि यहाँ पे पता चल रही है, मतलब यहाँ पे लग रही है उसके बाद, ठीक है। आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि सर यहाँ पे जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, सर ये तो पूरा मिलके तो पावर सिस्टम बन रहा है, ये पूरा मिलके क्या बन रहा है, पावर सिस्टम बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट द पावर सिस्टम, दिस इज नथिंग बट व्हाट, पावर सिस्टम। तो ये क्या है भाई आपके पास, दिस इज नथिंग बट पावर सिस्टम, इसका मतलब क्या, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इन इलेक्ट्रिकल लिटरेचर दैट ट्रांसफार्मर इज नथिंग बट हार्ट ऑफ पावर सिस्टम, ट्रांसफार्मर इज नथिंग बट व्हाट, हार्ट ऑफ पावर सिस्टम। अगर आपको ट्रांसफार्मर बहुत अच्छे लेवल पे समझ में आया तो आपको पावर सिस्टम भी बहुत अच्छे लेवल पे समझ में आएगी। और वहाँ पे जो जनरेटिंग स्टेशन की मैंने बात करी है आपको, तो यहाँ पे डायरेक्टली दिखाई दे रहा है कि ट्रांसमिशन जो अपन का जो एक छोटा सा पार्ट है उस पार्ट में, और जो डिस्ट्रीब्यूशन जो छोटा सा पार्ट है उस पार्ट में, दोनों पार्ट में आपको ट्रांसफार्मर देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन सर जनरेटिंग स्टेशन पर नहीं आ रहा आपके पास ट्रांसफार्मर, क्या बोल रहा हूँ मैं, जनरेटिंग स्टेशन पर नहीं आ रहा है। जनरेटिंग स्टेशन पे आप जो यूज़ करोगे डैट विल बी सिंक्रोनस जनरेटर, डैट विल बी नॉट सिंक्रोनस जनरेटर। लेकिन वो भी क्या है, वो भी तो एक मशीन ही है, उस मशीन को भी तो ट्रांसमिशन, उस मशीन को भी तो अपन को इलेक्ट्रिकल मशीन्स में डील करना है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही कि भाई जो पूरा का पूरा पावर सिस्टम तुम पढ़ोगे उसमें जो भी कुछ पढ़ने वाले हो, पूरा का पूरा क्या पढ़ने वाले हो आप, जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स में जो मशीन्स पढ़ोगे उन मशीन्स का एप्लीकेशन पढ़ने वाले हो, इतना समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या, वाट एवर यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इट इज गोइंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज गोइंग टू बी वॉट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर दिखता कैसे है, इसका वर्किंग क्या होता है, इसके प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन किस तरीके से होता है, इसकी क्या फीचर्स होते हैं, ये सारी बातें अब अपन देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर जो डिवाइस जो इंस्ट्रूमेंट है उसके जरिए देख लेते हैं। तो देखिए ट्रांसफार्मर क्या है, ये ट्रांसफार्मर होता है, दिस इज वॉट, दिस इज नथिंग बट वॉट ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है इसका मैंने फिगर निकाला है। देखिए ट्रांसफार्मर के दो अलग अलग साइड्स होते हैं, अब ये सारी की सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल भी कोई टेंशन या जरूरत, मतलब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज द
प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर, दिस इज व्हाट प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर। प्राइमरी किसको बोलते हैं, सेकेंडरी किसको बोलते हैं, डिपेंड किस बात पे करता है, ये सारी बातें मैं बताऊंगा। हाई वोल्टेज वाइंडिंग किसको बोलते हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग किसको बोलते हैं, इसके भी बारे में बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए ये ट्रांसफार्मर क्या होता है, बेसिकली दिस इज नथिंग बट स्टैटिक डिवाइस, दिस इज नथिंग बट वॉट स्टैटिक डिवाइस, स्टैटिक डिवाइस, ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस। स्टैटिक डिवाइस इसका मतलब क्या है, दिस इज अ स्टेशनरी वन, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज अ स्टेशनरी वन, ठीक है। दिस इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रो मैग्नेटिक डिवाइस, ठीक है। अब ये जो ट्रांसफार्मर है, जब अपन इसके बारे में पढ़ेंगे तो मुझे एक बात बोलो, ठीक है, स्टैटिक डिवाइस है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वे देखिए, इसमें जो आपके पास जो इनपुट होगा, इनपुट इज गोइंग टू बी व्हाट, इलेक्ट्रिकल, इनपुट इज गोइंग टू बी व्हाट, इनपुट इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रिकल, ठीक है। ये जो आपके पास जो दोनों के बीच में जो मीडियम दिखाई दे रहा है, मीडियम कैसे है, मैग्नेटिक मीडियम है, मीडियम जो दिखाई दे रहा है दोनों के बीच में क्या है, मैग्नेटिक है, मीडियम क्या आपके पास मैग्नेटिक फील्ड तुम बोल सकते हो, या मैग्नेटिक डोमेन तुम कह सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड या व्हाट, यू कैन कॉल इट एज अ डोमेन, ठीक है। और आउटपुट जो मिलेगा तुम्हें क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक में और मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक में ऐसा उसका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। जो आउटपुट आएगा आपके पास, आउटपुट इज गोइंग टू बी इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिकल फॉर्म, आउटपुट इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट इज गोइंग टू बी व्हाट, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका मतलब क्या, एक स्टैटिक डिवाइस है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है वाया मैग्नेटिक डोमेन, वाया व्हाट, मैग्नेटिक डोमेन। अब मैग्नेटिक डोमेन की जरूरत क्यों पड़ती है, उसको क्या पड़ती है जरूरत उसकी, ये सब देखते हैं अभी, ठीक है। पहले मैं बता देता हूँ उसका कंस्ट्रक्शन, इसको वर्किंग किस तरीके से, फिलहाल पहले अपन उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए आपको एक बात पता चल रही है कि भाई एक स्टैटिक डिवाइस है, इसके ऊपर क्या है, मैंने एक वाइंडिंग को क्या किया है, वाउंड किया है, उसके ऊपर क्या है, वाइंडिंग को मैंने वाउंड किया है, और जो दूसरा वाइंडिंग है मैंने उसको क्या है ना, उसके दूसरे साइड पे वाउंड किया, जो दूसरा वाइंडिंग है उसको मैंने क्या किया, दूसरे साइड पे वाउंड किया, ठीक है। तो जिस वाइंडिंग को मैं सप्लाई दूंगा, जिस वाइंडिंग को मैं सप्लाई दूंगा उसको बोला जाएगा प्राइमरी वाइंडिंग, सप्लाई दूंगा उसको तुम बोलोगे क्या, प्राइमरी वाइंडिंग, उसको तुम बोलोगे प्राइमरी वाइंडिंग। और जहां से आप आउटपुट लोगे उसको तुम बोलोगे क्या, सेकेंडरी वाइंडिंग, उसको तुम क्या बोलोगे, सेकेंडरी। यहाँ पे अगर मैं आउटपुट लूंगा मतलब क्या, आउटपुट लोगे मतलब क्या, जहाँ पे जिस साइड पे तुम लोड को कनेक्ट कर दोगे उसको तुम क्या बोल दोगे, उसको तुम बोलोगे सेकेंडरी। जहाँ पे तुम लोड कनेक्ट करोगे डेट विल बी सेकेंडरी, और जिस पे तुम सप्लाई कनेक्ट करोगे उसको तुम बोलोगे प्राइमरी। समझ में आ रहा है सर, अगर सपोज मैंने ऐसा किया होता, कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि अगर सपोज मैंने यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट कर दिया होता और मैंने यहाँ पे लोड कनेक्ट कर दिया होता, इसका मतलब क्या, इसका मतलब भाई ये हुआ कि ये वाला जो होगा ये प्राइमरी बन जाएगा और ये वाला जो होगा वो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी बन जाएगा, ये वाला क्या बन जाएगा, सेकेंडरी बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं क्या, डेफिनेटली बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, बिल्कुल आराम से आप उसको कर सकते हो। तो यहाँ पे जो होगा एक वोल्टेज का लेवल होगा, सपोज अगर मैं उसको बोलूँ कि सपोज अगर मेरे पास ट्रांसफार्मर है, इसका रेटिंग 110 वोल्ट है, और इसका रेटिंग कैसा है, मतलब क्या है ना, इसके प्राइमरी का जो वोल्टेज है वो वोल्टेज है उसका 110 वोल्ट, और इसका जो सेकेंडरी का वोल्टेज है दिस इज 220 वोल्ट, दिस इज व्हाट 220 वोल्ट, ठीक है। तो ये वाला जो ट्रांसफार्मर है उसका जो रेटिंग लिखा जाएगा, उसका रेटिंग लिखा जाएगा 110 वोल्ट बाय 220 वोल्ट, बाय व्हाट, 220 वोल्ट। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि उसका जो लेफ्ट साइड का जो साइड है उसका, उसका वोल्टेज 110 वोल्ट, जो राइट साइड का जो साइड है उसका, उसका वोल्टेज है 220 वोल्ट। मैं इसको प्राइमरी भी कह सकता हूँ अगर मैं यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट कर दूंगा, मैं इसको सेकेंडरी भी कह सकता हूँ अगर मैं यहाँ पे लोड कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है सप्लाई कहाँ पे दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसको ये भी बोल सकते हो कि देखिए जहाँ पे इस साइड का वोल्टेज कैसा है, इस साइड का वोल्टेज लो है, किसके कंपैरिजन में, 220 वोल्ट के कंपैरिजन में। इसका मतलब क्या, मैं इसको बोल सकता हूँ कि दिस इज हाई वोल्टेज वाइंडिंग, कैन आई से दैट दिस इज नथिंग बट हाई एच बी वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ठीक है। कैन आई से दैट दिस इज एच बी वाइंडिंग, बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि इस साइड का वोल्टेज तो ज़्यादा है ना इसके कंपैरिजन में, ठीक है। और इस वाइंडिंग को मैं कह सकता हूँ क्या भाई, दिस इज द लो वोल्टेज वाइंडिंग, दिस इज वॉट, लो वोल्टेज एल बी वाइंडिंग, बिल्कुल लो वोल्टेज वाइंडिंग,
बिल्कुल मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ इसको है, क्योंकि डेफिनेटली भाई देखे ना, देख के पता चल रहा है कि दिस वोल्टेज इज 110 वोल्ट एंड दिस वोल्टेज इज 220 वोल्ट, दिस वोल्टेज इज वॉट 220 वोल्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या, ये क्या कर रहा है, देखिए जो भाई अगर सपोज मैंने बोला है ना, मैंने यहाँ पे तो प्राइमरी को सप्लाई कनेक्ट कर दिया, मैंने क्या किया यहाँ पे प्राइमरी साइड पर मैंने सप्लाई कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब ये मेरा प्राइमरी बन गया, अभी ये क्या बन गया प्राइमरी, क्योंकि मैंने सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो अगर सपोज मैंने सप्लाई इस साइड पर कनेक्ट कर दिया तो ये क्या कर रहा है, 110 वोल्ट को 220 वोल्ट बना दे रहा है मुझे सेकेंडरी के लिए। प्राइमरी पे मैं 110 वोल्ट दे रहा हूँ और सेकेंडरी पे मुझे 220 वोल्ट मिल रहा है, इसका मतलब क्या, वोल्टेज के मैग्नेट्यूड को क्या कर रहा है, वो बढ़ा रहा है, वोल्टेज के मैग्नेट्यूड को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, वोल्टेज के मैग्नेट्यूड को बढ़ा रहा है, इसका मतलब तुम क्या कह सकते हो उसको, इट इज स्टेपिंग अप द मैग्नेट्यूड ऑफ द वोल्टेज, इट मीन्स वॉट, इट इज द स्टेपिंग अप द मैग्नेट्यूड ऑफ द वोल्टेज। तो उसका सेकेंडरी का वोल्टेज कैसा हो रहा है, 220 वोल्टेज हो रहा है, मतलब 110 वोल्ट से 220 वोल्ट तक जा रहा है, 110 वोल्ट से 220 वोल्ट तक जा रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब भाई यही हो रहा है कि मतलब जो ट्रांसफार्मर आपने फिलहाल यूज़ किया है, दिस ट्रांसफार्मर इज नथिंग बट वॉट इज, इट इज नथिंग बट स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इट इज नथिंग बट वॉट स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इट इज नथिंग बट वॉट स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ये ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, उसको स्टेप अप कर रहा है, वोल्टेज को क्या कर रहा है, स्टेप अप कर रहा है, वोल्टेज को क्या कर रहा है, स्टेप अप कर रहा है। और क्या हो सकता है, अगर सपोज मैं इस ट्रांसफार्मर का रेटिंग अगर सपोज मैं ऐसा लिख देता कैसा, 220 वोल्ट अपॉन 110 वोल्ट, मतलब क्या, मतलब बस यही कि ये वाला जो प्राइम, ये वाला जो वाइंडिंग है, ये वाला वाइंडिंग का वोल्टेज अगर 220 वोल्ट होता और ये वाला वाइंडिंग का वोल्टेज अगर सपोज 110 वोल्ट होता और मैं सप्लाई इस साइड पे कनेक्ट करता, सप्लाई कौन से साइड पे, इसके पहले जो कनेक्ट किया था उसी साइड पे, लेकिन ये वाइंडिंग कितने की, ये वाइंडिंग 220 वोल्ट की और ये वाइंडिंग 110 वोल्ट की, इसका मतलब 220 वोल्ट से अगर ये 110 वोल्ट तक जाता, उस पर्टिकुलर केस में मैं कह सकता था कि मेरा जो ट्रांसफार्मर का जो ट्रांसफार्मर जो सेकेंडरी पे जो वोल्टेज दे रहा है, वोल्टेज कैसा है, प्राइमरी के कंपैरिजन में कम है, प्राइमरी की कंपैरिजन में क्या है, कम है। अगर प्राइमरी की कंपैरिजन में अगर सेकेंडरी का वोल्टेज अगर कम हो रहा है तो तुम उसको कह सकते हो कि इट इज स्टेपिंग डाउन द वोल्टेज, इट इज वॉट स्टेपिंग डाउन द वोल्टेज, वोल्टेज को कम कर रहा है। ठीक है, तो उसको तुम बोलोगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, उसको तुम क्या बोलोगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्या बोलोगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। मैं जितने भी बातें बता रहा हूँ ना, बहुत बेसिक बातें हैं, मुझे पता है कि आप सभी लोगों को पता होंगी, लेकिन फिर भी अगर अपने शुरुआत किया तो जितना बेसिक से हो सके उतना बेसिक से आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि अगर आपके बेसिक्स बहुत अच्छे पे अच्छे से क्लियर है तो आपको कोई जरूरत नहीं, मतलब कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कोई भी चीज़ समझने के लिए। ठीक है, तो वो बोला जाएगा दिस विल बी वॉट, दिस विल बी नथिंग बट स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दिस इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड दिस इज नथिंग बट वॉट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, दिस इज नथिंग बट वॉट, दिस इज नथिंग बट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप है और एक स्टेप डाउन है, और एक क्या है, स्टेप डाउन है। ठीक है, स्टेप अप का पर्पज क्या होता है, स्टेप अप का पर्पज सेकेंडरी की वोल्टेज अगर आपको इंक्रीज करनी है, लोड साइड पर अगर आप हाई वोल्टेज चाहते हो तो उस टाइप उस पर्टिकुलर कंडीशन में आप इस टाइप का ट्रांसफार्मर यूज कीजिएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जिसको बोलते हैं। और जब अगर आपको हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज साइड की ओर जाना है तो आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज कीजिएगा। सर अपन ने स्टेप अप कहाँ पे यूज किया और स्टेप डाउन कहाँ पे यूज किया, थोड़ा मेरे साथ इधर चलिएगा, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे कितना वोल्टेज था, 11 kV था, यहाँ पे कितना था, 11 kV था। मैंने क्या किया, इस ट्रांसफार्मर की हेल्प से मैंने उसको 11 kV से कितना बना दिया, 132 kV बना दिया। 11 kV से मैंने कितना बना दिया, 132 kV बना दिया। इसका मतलब दिस वॉज वॉट, दिस वॉज नथिंग बट दी स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दिस वॉज नथिंग बट वॉट, दिस वॉज नथिंग बट दी स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दिस वॉट नथिंग बट वॉट स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, और ये वाला जो ट्रांसफार्मर था उसने क्या किया, 132 kV से कितना बना दिया वोल्टेज को, 132 kV से दिस वोल्टेज इज स्टेप डाउन टू 11 kV। सो दिस इज नथिंग बट वॉट, दिस इज नथिंग बट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, दिस इज नथिंग बट वॉट, दिस इज नथिंग बट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, दिस इज नथिंग बट वॉट, दिस इज नथिंग बट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, और ये वाला जो था, दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ, दिस इज ऑल्सो द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, 11 kV से 0.44 kV तक जा रहा है, इसका मतलब क्या, दिस इज नथिंग बट वॉट, दिस इज ऑल्सो द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, दिस इज ऑल्सो वॉट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो आपको तो एक बात पता चल गई होगी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर सर मैं उसको बोल सकता हूँ क्या, ये हाई HV साइड है और LV साइड है, बिल्कुल भाई उसके वोल्टेजेस भी देख के पता चल रहा है, दिस इज ऑल्सो वॉट, दिस इज LV, दिस इज HV, दिस इज HV, दिस इज LV। ठीक है, देखिए ये ट्रांसफार्मर को जब तुम कैटेगराइज करते हो तो कभी भी ये मत बताना कि प्राइमरी ट्रांसफार्मर, मतलब ट्रांसफार्मर के जो वाइंडिंग्स होते हैं, सॉरी मैं ट्रांसफार्मर के टाइप के बारे में बोल दिया क्योंकि मैंने टाइप अभी बताया नहीं है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। जब भी मैं वाइंडिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, ट्रांसफार्मर की सिर्फ दो ही वाइंडिंग होती है, एक होता है HV वाइंडिंग और दूसरा होता है LV वाइंडिंग। सर आप तो अभी बोले प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड, प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड कभी नहीं बोल सकते जब तक आपको उसका सप्लाई साइड बताया गया नहीं है तब तक।
जब तक आपको सप्लाई कौन सी साइड पे आपने कनेक्ट किया है, जब तक पता नहीं, तब तक तुम उसके बाद उस बात पर कमेंट ही नहीं कर सकते हो कि ये प्राइमरी हो रही सेकेंडरी है। ठीक है, जैसे भी आपने सप्लाई कनेक्ट कर दिया उस पर्टिकुलर केस में तुम कह सकते हो कि क्या दिस इज प्राइमरी एंड दिस इज व्हाट सेकेंडरी। तो एक बात पता चल गई आपको कि जो उसके ट्रांसफार्मर के जो दो वाइंडिंग होते हैं कौन कौन से होते हैं, जो ट्रांसफार्मर के दो वाइंडिंग होते हैं वो होते हैं आपके पास प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरा होता है क्या सेकेंडरी वाइंडिंग, और दूसरा क्या होता है भाई सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। ठीक है, तो आपको जब पूछा जाएगा कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर जो होता है भाई ये क्या होता है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है कि जिसको अपन वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए यूज कर सकते हैं। सर अगर मैं वोल्टेज को कर सकता हूँ तो वैसे करंट को नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल, आप करंट को भी कर सकते हो, बिल्कुल आप क्या कर सकते हो करंट को भी कर सकते हो। ठीक है, आगे चल के जब आप प्रोटेक्शन करके एक टॉपिक पढ़ोगे, स्विच गियर प्रोटेक्शन जो सब्जेक्ट होता है आगे आपके करियर कॉलम में आगे है भी वो, तो उसमें आप एक बात पढ़ लोगे कि करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी पढ़ोगे। तो जो करंट ट्रांसफार्मर होगा भाई, करंट ट्रांसफार्मर में क्या होगा, करंट को आप स्टेप अप और स्टेप डाउन करते हो, और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो होता है इट इज नथिंग बट व्हाट, इट इज नथिंग बट वोल्टेज को स्टेपिंग अप और स्टेपिंग डाउन करने के लिए आप उसको यूज करते हो। ठीक है, तो आपको इतना पता चला होगा, इसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसके स्ट्रक्चर के बारे में, थोड़ा मैं उसके बारे में बता देता हूँ ट्रांसफार्मर का। देखिए आप में से कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि सर ठीक है ना, ये तो 110 होल्ट को 220 होल्ट बना रहा है, मतलब क्या वोल्टेज के मैग्नेट्यूड को स्टेप अप कर रहा है। इस पर्टिकुलर केस में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि जो चेंज नहीं होता है, और उसी टाइम पे मतलब क्वेश्चन जो पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही पूछा जाएगा, 110 होल्ट को 220 होल्ट में बना रहा है तो इसमें वो पूछेगा कि फ्रिक्वेंसी का नेचर कैसा होगा, जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगा उसका वैल्यू प्राइमरी साइड पे। अगर सपोज मैं बोल दूं कि जो मैंने सप्लाई कनेक्ट किया है वो सप्लाई ऐसा है कि मेरा सपोज 110 होल्ट 50 हर्ट्ज, देख के पता चल रहा है दिस इज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, दिस इज सिंगल फेज। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 50 हर्ट्ज सप्लाई फ्रीक्वेंसी, तो सेकेंडरी साइड की फ्रीक्वेंसी कितनी बनेगी? सेकेंडरी साइड जो मेरा लोड कनेक्टेड होगा वहाँ पे जो सप्लाई मिल रहा होगा सेकेंडरी साइड पे, उसका फ्रीक्वेंसी कितना बनेगा? आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, डेफिनेटली आना भी चाहिए ऐसा सप्लाई ऐसा क्वेश्चन। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा कितना होगा, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको एन नंबर ऑफ एग्जाम्स बहुत सारे एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेगा। देखिए बहुत सारे मतलब आपको इसमें भी पूछेगा, ओरल्स में सेमेस्टर की जो ओरल होती है उसमें भी पूछा जाएगा आपका सवाल कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड का फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है तो सेकेंडरी का कितना होगा। ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन द मैग्नेट of the voltages and current at constant frequency, at what constant frequency, इसका मतलब क्या, जो secondary side का frequency क्या होगा वही होगा जो primary का होगा, वही होगा वो क्या जो primary का होगा, इसका मतलब क्या, frequency constant है भाई, frequency क्या है constant, बहुत important है, बहुत बच्चे उसको भूल जाते कभी कभी, इसके लिए मैं उसको थोड़ा emphasize करके बता रहा हूँ। ठीक है, so frequency is going to be what constant, at constant frequency में बोल देता हूँ, चाहे तो यहाँ इसके बीच में लिखता है इसके लिए कि आप उसको भूलोगे नहीं, at constant frequency, at what कॉन्स्टेंट फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो अपन ने पढ़ लिया कि भाई जो ट्रांसफार्मर के जो मेन एप्लीकेशन जो अपन देख रहे फिलहाल अभी, तो उसका एप्लीकेशन क्या देखने के लिए मिला, उसका एप्लीकेशन ये था कि इट कैन बी यूज फॉर द स्टेपिंग अप एंड स्टेपिंग डाउन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेजेस एंड करंट। फॉर व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेजेस एंड करंट। ठीक है, मैं उसको एप्लीकेशन वन लिखता हूँ उसका यहाँ पे, फॉर स्टेपिंग अप या डाउन द वोल्टेजेस एंड करंट। आप उसको वोल्टेज को भी स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए भी यूज कर सकते हो, और करंट को स्टेप अप स्टेप डाउन करने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, दोनों के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये था मेरा ट्रांसफार्मर का पहला एप्लीकेशन की जिसके लिए मैं उसको यूज करता हूँ, इसके लिए मुझे उसकी जरूरत पड़ती है। अब दूसरी उसकी जरूरत क्या पड़ सकती है ट्रांसफार्मर की, दूसरा मेरे पास जो उसका एप्लीकेशन है, इट इज गोइंग टू बी एन आइसोलेशन, इट इज गोइंग टू बी वन आइसोलेशन। Isolation is another important purpose for which I am going to utilize my transformer. This is another purpose. ठीक है, तीसरा भी purpose मैं आपको बता देता हूँ कि जिसके लिए मैं use करने वाला हूँ। मैं बता देता हूँ कि isolation के लिए क्यों use करते हैं, मैं उसको explain कर रहा हूँ, बाकी पहले सारे लिख देता हूँ मैं। तीसरा मेरे पास जो purpose होता है वो था मेरे पास impedance matching, क्या impedance matching के लिए use किया जा सकता है। ठीक है, और जो नेक्स्ट वो डीसी फिल्टरिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, इसके लिए डीसी सप्लाई अगर आप दे रहे हो अलॉन्ग विथ एसी, तो डीसी को अगर फिल्टर आउट करना होगा तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए क्या कर सकते हो आप ट्रांसफार्मर यूज़ कीजिएगा। मैं बताऊंगा जब उसका जो ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है ई इज इक्वल्स टू एन डी फाइव बाई डी टी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि उसमें डीसी फिल्टरिंग की बात किस तरीके से होती है।
ठीक है, क्योंकि मैंने इसके पहले आपको समझाया कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी बातें तो इसके पहले मैं आपको आराम से समझा चुका हूँ। तो यहाँ पे ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अपन डायरेक्टली उसके एप्लीकेशन के ऊपर बताएंगे, एप्लीकेशन ही डिस्कस करेंगे ना यहाँ पे। तो अब मैं हेडिंग डालूंगा आइसोलेशन, और अपन बात करते हैं कि आइसोलेशन बेसिकली किस टाइप का होता है, अपन उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कि अपन ने जो ट्रांसफार्मर देखे ये वाला, ये इसका प्राइमरी वाइंडिंग था, ये उसका सेकेंडरी वाइंडिंग था। जब मैं उसको 110 वोल्ट प्राइमरी साइड पे और जब उसको 220 वोल्ट सेकेंडरी साइड पे कह रहा था, तो ये मेरा कैसा था, लो वोल्टेज वाइंडिंग था ये वाला लेफ्ट साइड का, और ये था हाई वोल्टेज वाइंडिंग। कभी भी आपको कोई भी पूछे तो ट्रांसफार्मर के कौन कौन से वाइंडिंग होते, कितने वाइंडिंग होते हो, तो क्या बोलोगे, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, ये कभी नहीं यूज़ करोगे, क्योंकि आपको जब तक पता नहीं सप्लाई कहाँ पर कनेक्ट किया है तब तक आप इस स्टेटमेंट पर कमेंट कभी नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कहना है तो उसमें सिर्फ आप कह सकते हो कि लो वोल्टेज वाइंडिंग एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ये दो वाइंडिंग होते हैं ट्रांसफार्मर के। ठीक है, देखिए ये वाला जो वाइंडिंग होते हैं ना, ये वाला जो वाइंडिंग, मतलब ये वाला जो ट्रांसफार्मर है बेसिकली, ये उसका प्राइमरी साइड था, ये उसका सेकेंडरी साइड था, इसको मैं इस तरीके से भी दिखा सकता हूँ, इस ट्रांसफार्मर को मैं इस तरीके से भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, दिस इज माय प्राइमरी वाइंडिंग की, जहाँ पे मैंने सप्लाई कनेक्ट किया था, सब मैं कर देता हूँ चाहे तो उसको सप्लाई कनेक्ट। सो दिस वॉज माई प्राइमरी वाइंडिंग, और मैं यहाँ पे अगर सपोज कोई एक लोड कनेक्ट कर दूँ, तो यहाँ पे मैं लोड कनेक्ट कर सकता हूँ, या कुछ भी होगा डायरेक्टली मैं उसको इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं ना, कि देखिए जो आइसोलेशन होता है, आइसोलेशन का मतलब क्या, आइसोलेट करना, आइसोलेशन का मतलब क्या, आइसोलेट करना, सेग्रीगेट करना, डिफ्रेंशिएट करना, मतलब क्या, दोनों को अलग अलग करना उस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए भी आप, मतलब आइसोलेशन एक पर्पज़ है, इस पर्पज़ के लिए आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफार्मर को यूज़ कर सकते हो, इस पर्पज़ के लिए क्या कर सकते हो, ट्रांसफार्मर को यूज़ कर सकते हैं। अब आइसोलेशन पर्पज़ के लिए कैसे यूज़ किया जा सकता है, सपोज अगर मेरे हिसाब से अगर आप लोगों ने कोई, वैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पढ़ोगे कि ट्रांसफार्मर को यूज़ करके आप उसको ये करोगे ऐसा वैसा, कोई भी सपोज अगर मेरे पास एक सिस्टम है, सपोज ये मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है सपोज, हाँ, इसको अगर डायरेक्टली सपोज मैं सप्लाई साइड के, सप्लाई के साथ अगर सपोज मैं यहाँ पे कोई एक लोड सपोज है सिस्टम में, सपोज मैं इसको बोल देता हूँ, सपोज डायरेक्टली लोड है, ठीक है, ये मेरे पास लोड है, और मैं उसको डायरेक्टली यहाँ पे सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दूंगा, तो क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्टली सप्लाई किसको कनेक्टेड है, डायरेक्टली लोड के साथ कनेक्टेड है, डायरेक्टली किसके साथ कनेक्टेड है, लोड के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या, सप्लाई साइड अगर सपोज कुछ भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्टली आपके या लोड साइड, अगर सपोज अगर इस लोड साइड कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो क्या होगा, सप्लाई साइड क्या होगा, उसका प्रॉब्लम होगा, सप्लाई साइड क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। सपोज अगर यहाँ पर लोड साइड पर अगर सपोज फॉल्ट होगा तो सप्लाई साइड से मतलब क्या होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट का करंट क्या होगा, करंट यहाँ से फ्लो करेगा। इसका मतलब क्या, सप्लाई साइड को अगर आप चाहते हो कि मतलब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू क्या कर सकते हो आप, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू क्या कर सकते हैं ना, कि इन दोनों के बीच में अगर कुछ भी कनेक्ट कर दिया ऐसा कि जिसकी वजह से दोनों डिफरेंट हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, और दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकली कनेक्शन रहेगा, दोनों के बीच में क्या होगा, कनेक्शन रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये कि अगर यहाँ पे फॉल्ट होता है, कुछ भी होता है कि जिसकी बदौलत यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कुछ फॉल्ट वगैरह होने की वजह से इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक सप्लाई सिस्टम है, सप्लाई को तो बहुत सारे सिस्टम कनेक्टेड होंगे ना, यहाँ पे तो मैं बस एक लोड की बात कर रहा हूँ, हो सकता है दूसरा लोड, तीसरा लोड, चौथा लोड, बहुत सारे लोड होंगे, तो प्रॉब्लम हो सकता है दूसरे लोड को भी। तो अपन क्या करते हैं ना, इस लोड को है ना इस सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, लेकिन दोनों के बीच में ऐसा कुछ मीडियम या ऐसा कुछ कनेक्शन करते कि जिसकी वजह से करिए इस साइड पर कुछ भी प्रॉब्लम होता है कि इस प्रॉब्लम की वजह से जो भी कुछ डैमेज या कुछ भी होने वाला है, तो उसकी से बचने के लिए क्या होना चाहिए, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या कुछ भी मैं डिवाइस कर सकता हूँ, उसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो उसके लिए अपन क्या करने वाले हैं, उसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। इसके लिए मैं क्या करने वाला है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर यूज़ करने वाला हूँ। देखिए मैंने क्या किया, ये वाला जो मेरे पास सप्लाई था, इस सप्लाई को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और इस ट्रांसफार्मर के जरिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस ट्रांसफार्मर के जरिए मैंने मेरे पास जो लोड था उस लोड को मैं अब कनेक्ट कर दे रहा हूँ, उस लोड को क्या कर रहा हूँ, मैं अभी उस लोड को अब मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ। अब देखिए मेरे पास ये जो लोड है, अब इस लोड को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, दिस इज माय लोड राइट नाउ। यहाँ पे मेरे पास एक लोड है, और ये जो मेरे पास क्या है ना, देखिए सप्लाई तो कनेक्टेड है ना डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली नहीं है तो मतलब क्या भाई, ये लोड है, सॉरी ये सप्लाई साइड है, सप्लाई क्या ना ट्रांसफार्मर के जो प्राइमरी वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग के जरिए आप उसको सेकेंडरी को ट्रांसफर कर रहे हैं, सेकेंडरी से डायरेक्टली लोड को दे रहे हैं, सेकेंडरी से डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, लोड को वो दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्टली यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा क्या, मतलब डायरेक्ट उनके बीच में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है भाई, दोनों के बीच में डायरेक्ट सप्लाई साइड के साथ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, दोनों के बीच में आप देख सकते हो क्या, इलेक्ट्रिकली दोनों आइसोलेटेड है, दोनों के बीच में एक मीडियम है जिसको तुम बोलते हो क्या मैग्नेटिक मीडियम, मैंने बोला था वो कोर होता है, क्या होता है मैं सब बताऊंगा, आप बिल्कुल भी उसके बारे में टेंशन मत लीजिएगा।
बस फिलहाल बस इतना याद कीजिएगा कि ये मैग्नेटिकली क्या है ना, मैग्नेटिकली कपल्ड है लेकिन इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड दोनों। इलेक्ट्रिकली देखें ना क्या है, एक आइसोलेटेड भाई, एक डायरेक्टली क्या है, एक अलग पार्ट है और दूसरा क्या है, एक अलग पार्ट है। ये क्या है, दूसरा अलग पार्ट है। और मैंने इसके पहले आपको जब समझाया था तब मैंने उसमें आपको बताया था कि भाई जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज वगैरह जो होता है उसमें किस तरीके से होता है, किसका प्लस किसके साथ लिंक करता है, तो उस टाइम पे मैंने बताया था। ठीक है, फिलहाल अभी मैं इसके लिए नहीं समझा रहा क्योंकि जब तक मैं आपको उसका प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल नहीं बताता तब तक मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बस आपको इतना तो पता चल रहा है कि दोनों के बीच में मैग्नेटिक कपलिंग है कि जिसकी बदौलत यहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज होगा, जिस वोल्टेज विल गेट ट्रांसफर टू दिस साइड, और ये वोल्टेज डायरेक्टली किसको मिलेगा, लोड को मिलेगा, किसको मिलेगा, लोड को मिलेगा। लेकिन इन दोनों के बीच में डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है क्या, नहीं है। यहाँ पे तो डायरेक्टली देखिए ना, एक ही वायर कनेक्टेड था, यहाँ पे क्या डायरेक्टली एक वायर कनेक्टेड था, यहाँ पे कौन सा वायर कनेक्टेड है, एक आधा वायर यहाँ पे कनेक्टेड है और आधा यहाँ पे कनेक्टेड है। तुम ये थोड़ी ना बोल सकते कि लोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सप्लाई, लोड इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सप्लाई इन दिस पर्टिकुलर केस। तो अपन क्या कह सकते हो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको जाना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के लिए जा सकते हैं। उसके लिए क्या कर सकते हो, आप आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के लिए जा सकते हैं। आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर मेरे पास यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर था, यहाँ पे जो मेरे पास ट्रांसफार्मर सॉरी यहाँ पे जो सप्लाई था मेरे पास, इसका तो सप्लाई जो था ना 230 वोल्ट, सिंगल फेज की बात कर रहा हूँ, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज मेरे पास क्या था, यहाँ पे एक सप्लाई था, क्या था, यहाँ पे एक सप्लाई था। इसका मतलब 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज का सप्लाई था, तो ये ट्रांसफार्मर की वजह से उसका तो वोल्टेज यहाँ पे 230 वोल्ट थोड़ी ना मिलेगा मेरे लोड को, मिलेगा डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन उसके लिए ये जो ट्रांसफार्मर होगा उसका रेटिंग उस तरीके से होना चाहिए, उसका रेटिंग क्या होना चाहिए, उस तरीके से होना चाहिए। तो किस तरीके से, देखिए डायरेक्टली 230 वोल्ट, देखिए मैं इसका रेटिंग अगर इस तरीके से सेट करूँ तो, या सिलेक्ट करूँ 230 वोल्ट बाय 230 वोल्ट, 230 वोल्ट बाय वॉट 230 वोल्ट, इसका मतलब क्या, दिस इज नथिंग बट वॉट, दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो ट्रांसफार्मर का जो रेशो होगा वोल्टेज रेशो उसके अकॉर्डिंग तो 1:1 का रेशो आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 1:1 का रेशो आ जाएगा। वो ये जो 1:1 का रेशो आ जाएगा, तो इस रेशो के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो मतलब क्या, यहाँ पे जितना वोल्टेज आपको देखने के लिए मिलने वाला है इस वाइंडिंग के अक्रॉस, सेम वोल्टेज आपको इस वाइंडिंग के अक्रॉस देखने के लिए मिल रहा है। क्या होने वाला है, सेम वोल्टेज आपको इस वाइंडिंग के अक्रॉस देखने के लिए मिल रहा है। इसका मतलब क्या भाई, जो 230 वोल्ट सप्लाई आप लोड को देने वाले थे, यहाँ पे भी कितना, यहाँ पे 230 वोल्ट है और डायरेक्टली उसको कनेक्टेड है, उसको भी 230 वोल्ट ही मिल रहा है, यहाँ पे भी 230, यहाँ पे भी और 230। इसका मतलब क्या, अपन का जो पर्पस था वो तो फुलफिल हो गया भाई। अपन को क्या करना था, अपन का मेन पर्पस तो यही था कि उसको 230 वोल्ट सप्लाई मेरे मिले मेरे लोड को, और 230 वोल्ट सप्लाई मिलने के बाद तो जो इसके पहले जो ऑपरेशन था वही ऑपरेशन आपको देखने के लिए फिलहाल मिल रहा है। और उसमें एक और एडिशन होगा कि इसमें क्या होगा, बस इतना है कि आइसोलेशन ट्रांसफर आपने उन दोनों के बीच में इंसर्ट कर दिया। ट्रांसफार्मर इंसर्ट करने की वजह से आपके पास प्रोटेक्शन और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू बढ़ गई है, मतलब सेफ्टी अच्छी ज़्यादा हो गया ना, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। बस इलेक्ट्रिकली तो दोनों सर्किट आइसोलेटेड है, तो ऑब्वियस है डेफिनेटली अच्छी बात है कि अगर यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उस प्रॉब्लम की जड़ इसको नहीं पहुँचेगी आपका जो सप्लाई होगा, तो क्योंकि सप्लाई साइड के तो बहुत सारे और भी दूसरे इक्विपमेंट कनेक्टेड होंगे, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो आपको मेरे हिसाब से पता चला होगा कि जो सप्लाई साइड होगा, सप्लाई साइड और लोड साइड, इन दोनों को अपन आइसोलेट कर देते हैं बाय यूजिंग दी आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। बाय यूजिंग व्हाट, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। कीप दिस थिंग इन माइंड, द आइसोलेशन ट्रांसफार्मर जो होता है उसका टर्न्स रेशो कैसा होता है, वोल्टेज रेशो कैसा होता है, दोनों साइड का वोल्टेज सेम होता है, दोनों साइड सेम नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, दोनों साइड क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। ठीक है, तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर आपको पता चल गया है। ठीक है, अब उसका जो नेक्स्ट पर्पस है, नेक्स्ट पर्पस क्या है उसका, इंपेडेंस मैचिंग। क्या होता है नेक्स्ट पर्पस उसका, इंपेडेंस मैचिंग। ठीक है, मैं डायरेक्टली इन शॉर्ट बताता हूँ उसको, क्योंकि मुझे पता है कि आपको पता होगा, आपने एक बात पढ़ी होगी, देखिए क्या, मैं थर्ड पर्पस लिख देता हूँ, इंपेडेंस मैचिंग। मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जो बोला स्टेटमेंट कि मुझे पता होगा, क्योंकि आप में से कुछ लोग जिन्होंने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ा है अच्छे से, तो उनको एक बात पता है। क्या पता है उनको, अगर आप चाहते हैं कि लोड को सोर्स पूरी की पूरी पावर ट्रांसफर करे, मींस क्या, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होनी चाहिए सोर्स साइड से लोड साइड की ओर। कहाँ से, ये सपोज अगर मेरे पास जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे मेरे पास सोर्स है और राइट साइड में मेरे पास क्या है, लोड है, और सोर्स से अगर मैं चाहता हूँ कि लोड की ओर पूरी की पूरी पावर ट्रांसफर हो, मतलब मैक्सिमम की जो उतना ट्रांसफर कर सकता है सोर्स, उतना पावर अगर मैं इस साइड पे ट्रांसफर करने की बात कर रहा हूँ, तो उस पर्टिकुलर केस में इसका इंपेडेंस और इसका इंपेडेंस कितना होना चाहिए, ये अपन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में पड़े होते हैं। ठीक है, तो उसका कंडीशन ही होता है कि लोड का इंपेडेंस कैसा होना चाहिए, सोर्स के इंपेडेंस के साथ होना चाहिए, उसका जितना इंपेडेंस है उतना होना चाहिए। जैसे देखिए, सपोज मैं इसी एग्जांपल को आगे भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि सपोज मेरे पास यहाँ पे एक सोर्स है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास एक लोड है, यहाँ पे क्या है मेरे पास एक लोड है, यहाँ पे मेरे पास क्या है एक लोड है, और ये क्या मेरे पास, दिस इज सोर्स,
दिस इज वॉट अ सोर्स। तो मैं बोल रहा हूँ कि सोर्स से अगर लोड की और पूरी की पूरी पावर, मतलब कह सकते हैं कि मैक्सिमम पावर की जो ये सोर्स दे सकता है, अगर आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने की बात कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर केस के लिए मतलब क्या कंडीशन हो सकता है कि मैक्सिमम पावर उस पर्टिकुलर केस में आ सकता है या उसके लिए पॉसिबल है। सपोज अगर मैं बोल दूँ कि मेरे पास जो लोड है इसका इम्पिडेंस है, सपोज इसका इम्पिडेंस है, इस लोड का इम्पिडेंस जेड है, दिस इज 10 ओम का इसका इम्पिडेंस है, कितना है इसका इम्पिडेंस 10 ओम का है। और अगर सपोज मैं बोल दूँ कि इसका इम्पिडेंस मुझे क्या पता है, इसका इम्पिडेंस सपोज अगर 2 ओम है, इसका इम्पिडेंस कितना है 2 ओम। मैं चाहता हूँ कि अगर सपोज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होना चाहिए इस सोर्स साइड से लोड साइड की ओर, लेकिन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए कंडीशन क्या होता है, कंडीशन फॉर पी मैक्स इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू कंडीशन फॉर पी मैक्स इज लोड इम्पिडेंस इज मस्ट बी इक्वल्स टू सोर्स इम्पिडेंस, मस्ट बी इक्वल्स टू वॉट सोर्स इम्पिडेंस। लोड का इम्पिडेंस और सोर्स का इम्पिडेंस सेम होगा तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पॉसिबल होगा, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। तो आपको यहाँ पे देखने के बाद पता चल रहा हो कि लोड इम्पिडेंस जो उसका वैल्यू है 10 ओम, और जो आपके पास सोर्स साइड है उसका इम्पिडेंस कितना है, सोर्स साइड का इम्पिडेंस है 2 ओम। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं, बिकॉज यहाँ पे आपके पास जो लोड इम्पिडेंस है 10 ओम इज नॉट इक्वल्स टू द सोर्स इम्पिडेंस, बिकॉज दोनों केसेस सेम नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे उसको क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। सपोज अगर मैं एक ट्रांसफार्मर ले लूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर सपोज एक ट्रांसफार्मर ले लूँ, सपोज अगर मैं यहाँ पे उसको डायरेक्टली इन शॉर्ट निकालता हूँ, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर ले लूँ, ठीक है, और इस ट्रांसफार्मर का जो लोड का इम्पिडेंस है, इसके इम्पिडेंस को मैं इससे दिखा रहा हूँ, ठीक है। सपोज अगर मेरे पास इसका इम्पिडेंस कितना है 10 ओम है, सपोज अगर इसका इम्पिडेंस 10 ओम है, इसका इम्पिडेंस 10 ओम है, और इसका इम्पिडेंस कितना है, इसका जो इम्पिडेंस है मेरे पास प्राइमरी साइड का, इसका इम्पिडेंस है मेरे पास 2 ओम, क्या है 2 ओम है। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि सर मैं ट्रांसफार्मर को यूज़ करके उसको कैसे बना सकता हूँ। देखिए अगर आपको एक बात आपने पढ़ा भी होता है ट्रांसफार्मर में, फिलहाल मैं बस बता देता हूँ उसको, वैसे आपको आगे सीखने को मिलने वाला जब मैं सेपरेट टॉपिक पढ़ाऊंगा, रेफरिंग ऑफ पैरामीटर, मतलब क्या प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड और सेकेंडरी साइड से प्राइमरी साइड, अगर आपको पैरामीटर्स को रेफर करना होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो तो बेसिक एक टॉपिक ही डायरेक्टली, मैं तो उसको अच्छे से समझाऊंगा। अगर आपको देखिए ये जो 10 ओम है, अगर आपको इस सेकेंड प्राइमरी साइड की ओर अगर आपको ट्रांसफर करना है, क्या बोल रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि ये 10 ओम को अगर प्राइमरी साइड की ओर ट्रांसफर करना होगा, मतलब प्राइमरी को मैं कह सकता हूँ क्या, ये प्राइमरी साइड से अगर आप देखोगे तो इसका जो 10 ओम का जो इम्पिडेंस है, प्राइमरी से इस 10 ओम का इम्पिडेंस कितना नजर आएगा, ये अगर आपको देखना होगा, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसके लिए अपन नंबर ऑफ टर्न्स का जो रेशो होता है उसको यूटिलाइज करते हैं। मैं डायरेक्टली उसका फॉर्मूला फिलहाल अभी बता रहा हूँ क्योंकि उसको आगे पढ़ना है इसके लिए, क्योंकि मैं उसका डेरिवेशन नहीं बताया तो मैं डायरेक्टली उसको बता नहीं सकता यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं सपोज प्राइमरी साइड की ओर अगर मैं उसको ट्रांसफर करूँ, R1 मैं उसको बोल रहा हूँ, प्राइमरी को ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू N1/N2 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट, जो R2। ये रेजिस्टेंसेस के लिए होता है, इम्पिडेंस के लिए क्या होगा, Z1 का स्क्वायर Z1 N1/N2 का स्क्वायर इंटू जेड टू, ये होगा किसके लिए, इम्पिडेंस के लिए होगा, ठीक है। इम्पिडेंस, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस तीनों के लिए सेम होता है, कैपेसिटेंस के लिए भी सेम होता है। बस इसमें याद रखना कैपेसिटेंस जब लिखा जाएगा तो 1/ωC लिखोगे, इम्पिडेंस का फॉर्म, रिएक्टेंस का फॉर्म, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस तीनों के लिए सेम होगा। बस कैपेसिटेंस को कैसा लिखा जाएगा, 1/ωC लिखा जाएगा, तो उसके ये बन जाएगा N2/N1 बन जाएगा, ठीक है, उस टाइम पर बता दूंगा। अब क्या करना है, अगर आप उसको प्राइमरी साइड से देख रहे हैं उस 10 ओम को, और सपोज मेरे पास जो रेशो है N1, मतलब प्राइमरी साइड तो उसको मैं बोल रहा हूँ N1, सेकेंडरी साइड को मैं बोल रहा हूँ N2, और इसका रेशो सपोज 1/2 का है, कितना है उसका रेशो, 1/2 इसका रेशो, ठीक है। वोल्टेज रेशो, करंट रेशो और टर्न्स रेशो तीनों का रिलेशन क्या है, ये अपन आगे के इसमें पढ़ने वाले हैं, मैं उसके बारे में फिलहाल ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बस फिलहाल इतना याद रखिएगा। अगर मैं उसको प्राइमरी से अगर देखना चाहूँगा तो प्राइमरी से देखिए कितना दिखेगा, प्राइमरी से दिखेगा R1। सपोज अगर मैं यहाँ पे Z1 की बात कर रहा हूँ ना, तो Z1 इज इक्वल्स टू N1/N2, ठीक है, N1/N2 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टेन, तो ये कितना बन जाएगा, दिस विल बिकम 1/2, इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा 1/2 × 10, दिस इज वॉट 10, तो ये बन जाएगा 1/4 × 10, दिस इज वॉट 1/4 × 10, तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट वॉट, दिस विल बी नथिंग बट 2.5, दिस विल बी वॉट 2.5 ओम,
ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। अब अगर मैं इसको इस साइड पर ट्रांसफर कर लूँगा तो देखिए इस तरीके से बन जाएगा। तो ये जो इम्पिडेंस होगा ये प्राइमरी साइड से जब देखोगे तो ये 10 ओम कितने का नजर आएगा आपको, ये 10 ओम इसको नजर आएगा, 2.5 ओम एज इतना इम्पिडेंस नजर आएगा इसको। तो ये जो लोड होगा, इस लोड को अगर मैं प्राइमरी साइड की ओर ट्रांसफर कर दूंगा तो उसका वैल्यू 10 ओम से प्राइमरी साइड पे कितना दिखाई देगा, प्राइमरी साइड पे दिखाई देगा 2.5 ओम। कितना दिखाई देगा, 2.5 ओम दिखाई देगा। कितना दिखाई देगा, 2.5 ओम दिखाई देगा। सॉरी, ये तो 2 ओम है ना। तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर लेकिन यहाँ पे भी तो अपन का जो पर्पस था फुलफिल नहीं हुआ। कौन सा पर्पस? मैं बोला था कि अगर ये मेरा लोड है और मेरा सोर्स है तो लोड और सोर्स दोनों का इंपीडेंस सेम होना चाहिए, लेकिन लोड और सोर्स का इंपीडेंस तो सेम नहीं हो रहा है फिलहाल, क्योंकि लोड का मेरा है मुझे 2.5 ओम और सोर्स का है 2 ओम, तो दोनों के बीच में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैसे होगा? तो हाँ यार, नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो टर्न्स रेशियो उसको इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा सो डैट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो 2.5 ओम है कितना बन जाए, 2 ओम बन जाए, सो डैट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर विल ऑकर इन दैट पर्टिकुलर केस। तो कैसे पॉसिबल है, अपने से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, डेफिनेटली सोचना भी चाहिए अपने। तो ये पॉसिबल होने के लिए सपोज अगर मैं उसको बोलूँ तो ये अगर सपोज 1 बाय 2.5 ऐसा कुछ रेशो होता तो सर 2.5 का भी टर्न्स का रेशो आता है, मतलब n1 अपॉन n2। फिलहाल बस मैं जितना बोल रहा हूँ उतना सोच के चलेगा आगे, ठीक है, बाकी सारी चीज़ आपको आगे सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। अगर इसका रेशो ऐसा होता 1 बाय 2 1 बाय 4 तो ये बन जाता कितना, ये बन जाता 2.5। तो ये 2.5 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सिंपल अगर आइडिया आपको बता दूँ तो दिस विल बिकम 5 और ये बन जाएगा आपके पास 2 2s to 5। सारी चीज़ें आपको आराम से पता चल जाएगी, देखना कैसे। मैं बस पहले समझा देता हूँ उसके बाद बताता हूँ। देखिए कैसे, अब ये 2 बाय 5 मतलब बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये बन जाएगा मेरे पास 5। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास जो मेरा जो मकसद था कि 2.5 ओम और 2 ओम दोनों कैसे सेम आने चाहिए थे, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जो अपन का मेन गोल है उस गोल के लिए दोनों का इंपीडेंस कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन यार इसका वैल्यू तो 2.5 ओम आ रहा है, अपन को तो 2 चाहिए। तो उसके लिए मेरे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो ऑप्शन है जो टर्न्स रेशो मेरे पास n1 अपॉन n2, इसका रेशो इस तरीके से सेट करो सो डैट आपको जो यहाँ पे जो इंपीडेंस मिलेगा वो 2 ओम मिल जाएगा। सो डैट आपको जो इंपीडेंस मिलेगा कितना मिलेगा, 2 ओम मिलेगा। ऐसा आपको n1 बाय n2 का रेशो सेट करना है। ऐसा क्या करना है आपको, n1 बाय n2 का रेशो सेट करना है। अब भाई उसको किस तरीके से सेट करोगे n1 बाय n2 के रेशो को, देखिए किस तरीके से। अब जो z1 डैश है उसका वैल्यू कितना चाहिए आपको, आपको चाहिए भाई ये 2 चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप उसको इस साइड से जब इस साइड लेके जाओगे तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे तो 2 ओम आना चाहिए। तो 2 ओम आना चाहिए तो ठीक है, मैं बोल दिया कि सपोज कि 2 आ गया, ऐसा बोल दिया n1 अपॉन n2 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10। सो दिस विल बिकम 1 बाय 5 इज इक्वल्स टू n1 अपॉन n2 का होल स्क्वायर। सो n1 अपॉन n2 का रेशो कितना चाहिए मुझे, अगर आप चाहते हो कि जो इम्पिडेंस है लोड साइड का, अगर आप उसको सोर्स साइड पे 2 ओम देखना चाहते हैं तो आपके पास जो नंबर ऑफ टर्न्स है उनका जो रेशो है इसका रेशो आना चाहिए 1 बाय 5, √1/5, मतलब √2। अगर n1 अपॉन n2 का रेशो आता है तो उसी केस में पॉसिबल है कि आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर सकते हो प्राइमरी साइड से लोड की ओर। मतलब मैं कह सकता हूँ कि सोर्स साइड से लोड साइड की ओर मैक्सिमम पावर तभी पॉसिबल है जब सोर्स का इंपिडेंस लोड के इंपिडेंस के बराबर होगा। अब मैंने देखा कि सोर्स का इंपिडेंस कितना था, 2 ओम, और जब मैंने उसको उस 10 ओम को जब मैंने प्राइमरी साइड की ओर ट्रांसफर किया तो प्राइमरी साइड को वो इंपिडेंस 2.5 ओम नजर आ रहा था, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेड था कि मुझे वो 2 ओम नजर आना चाहिए। तो 2 ओम नजर आने के लिए क्या हुआ, उस 2 ओम नजर आने के लिए मुझे उसके नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करने पड़े, उसके नंबर ऑफ टर्न्स मुझे इस तरीके से सेट करने पड़े सो डैट क्या, जो इंपिडेंस को मैं ट्रांसफर करूंगा सेकेंडरी से प्राइमरी की ओर उसका वैल्यू 2 ओम हो जाएगा और जो मेरा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का कंडीशन है दैट कंडीशन विल गेट सेटिस्फाइड। और वो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है
कब, जब मैं एन वन बाई एन टू के रेशियो को 1/5 या 0.2 अंडर रूट ऑफ 0.2 ऐसा सेट कर दूंगा तब। तो ये बात पता चली आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि टर्न्स रेशियो को सेट करना है इस तरीके से सो डैट जो लोड के जो इंपिडेंस है वो सोर्स के इंपिडेंस के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे जो पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर का एप्लीकेशन आपको क्या देखने के लिए मिला, ट्रांसफार्मर का एप्लीकेशन मिला कि उसके नंबर ऑफ टर्न्स को इस तरीके से एडजस्ट करो सो डैट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर विल ऑकर। और उसको तुम तभी बोल सकते, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर मतलब क्या, इंपिडेंस मैच हो जाता है सोर्स और लोड का, दैट इज नथिंग बट वॉट, इंपिडेंस मैचिंग। और इंपिडेंस मैचिंग इज एन वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर इन विच दोनों का इंपिडेंस क्या होता है, सेम होता है। और उसको सेम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं वही बोल रहा हूँ कि इंपिडेंस मैच होना जरूरी है, कि जिसके लिए आपको टर्न्स रेशो एडजस्ट करना है। क्या करना है, टर्न्स रेशो को एडजस्ट करना है। तो देखिए अभी बात करते हैं भाई जो अपन का नेक्स्ट एप्लीकेशन होने वाला है ट्रांसफार्मर का, कि जिसके लिए अपन ट्रांसफार्मर को यूज़ करने वाले, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर का फोर्थ टॉपिक, और वो है आपके पास फोर्थ नंबर का जो टॉपिक है, डैट टॉपिक इज नथिंग बट फिल्टरिंग ऑफ डीसी कंपोनेंट या डीसी फिल्टरिंग, मैं उसको बोलता हूँ फिल्टरिंग ऑफ डीसी वोल्टेजेस या डीसी कंपोनेंट, डीसी कंपोनेंट। अब इसका मतलब क्या है देखिए उसको समझते हैं अभी। मैंने आपको अभी तक ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल ज़्यादा को समझाया नहीं है, लेकिन फिलहाल आपको जितना पता है उसके अकॉर्डिंग बस मैं छोटा सा आपको बताता हूँ कि बस आपको वही याद रखना है, बाकी चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा डिस्कस करने की बिल्कुल फिलहाल कोई नीड नहीं है। देखिए बस एप्लीकेशन देख लीजिएगा, आगे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखिए सपोज आपके पास ये ट्रांसफार्मर है, क्या है ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये उसका एक वाइंडिंग है और ये उसका एक ट्रांसफार्मर का दूसरा वाइंडिंग है। ठीक है, अब इसका ये वाला जो वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग को मैं जो सप्लाई दे रहा हूँ उसका सप्लाई ये है 10 + 40 sin ωt + 4 sin 3 ωt। ठीक है, और इसका जो रेशियो है इसका रेशियो 1:2 का रेशियो, किसका रेशियो, ट्रांसफार्मर का रेशियो जो वो है 1:2। फिलहाल आपको ज़्यादा उतना समझ में नहीं आएगा इनकेस अगर आप पहली बार ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हो तो, कि इस रेशियो का मतलब क्या है, क्योंकि अपन का इंट्रोडक्टरी पार्ट है तो उसमें बस ज़्यादा इसके बारे में डिस्कशन नहीं है। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करूँगा, मैंने बोला कि फिल्टरिंग ऑफ डीसी कंपोनेंट, मुझे डीसी कंपोनेंट अगर फिल्टर आउट करने हैं, मतलब मैं नहीं चाहता कि मेरे पास जो सप्लाई फिलहाल अवेलेबल है उस अवेलेबल सप्लाई में डीसी वोल्टेज नहीं रहनी चाहिए, ये मेरा मकसद है, तो उसके लिए मैं ट्रांसफार्मर का यूज़ करने वाला हूँ। तो ट्रांसफार्मर को यूज़ करके मैं उस डीसी वोल्टेज को क्या करूँगा, सेपरेट कर दूंगा, डिफरेंश, मतलब वो यहाँ पे आएगी नहीं मेरे पास। ठीक है, सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ लोड कनेक्टेड है, यहाँ पे क्या है कुछ लोड कनेक्टेड है और मैं नहीं चाहता कि लोड को मेरे पास डीसी सप्लाई मिले, और क्योंकि अगर मेरी जो कोर होती है ट्रांसफार्मर की, ये वाली जो वाइंडिंग होती है जिसके ऊपर लपेटा होता है, जो कोर होती है, कोर क्या कर जाती है, सैचुरेट कर जाती है अगर मैं डीसी सप्लाई दूँ तो। ये सैचुरेट क्यों कर जाती है, मैं सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा जब मैं उसका वर्किंग प्रिंसिपल बताऊंगा, तो उसमें एक छोटा सा पॉइंट आपको समझने के लिए मिलेगा। वो होता है आपके पास कि उसका जो ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो होता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसके पहले मैंने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत अच्छे से आपको समझाया है, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होता है उसी केस में आपको क्या मिलता है, ईएमएफ इंडक्शन मिलता है, उसी केस में क्या होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ या ईएमएफ इंडक्शन मिल जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है इंडक्शन के जरिए इसका इंडक्शन अपन इस वाइंडिंग पे लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपन को इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता है। लेकिन उसमें आपने एक देखा होगा कि मैंने जो आपको समझाया था कि उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के लिए क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अगर एक तो आपका कंडक्टर मूविंग होना चाहिए, नहीं तो करंट मूविंग होनी चाहिए, दोनों में से कोई एक मूविंग होना चाहिए कि जिसकी वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या मिल जाए आपको, एक फ्लक्स क्या होना चाहिए, चेंजिंग नेचर का होना चाहिए, बिकॉज इंड्यूस्ड ईएमएफ रिक्वायर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ डीसी सप्लाई की या डीसी सोर्स या डीसी वोल्टेज या करंट की, उसमें क्या होता है फ्रीक्वेंसी जीरो होता है, इसमें क्या होता है फ्रीक्वेंसी जीरो होता है, इसकी अगर मैं बात करूँ तो देखिए इसमें क्या है फ्रीक्वेंसी जीरो है, इसका फ्रीक्वेंसी कैसा है जीरो है। अगर मैं एसी सप्लाई की बात करूँ तो देखिए इसमें आपके पास ओमेगा टी है, ऑब्वियस है कि फ्रीक्वेंसी कैसा होगा, नॉन जीरो होगा, फ्रीक्वेंसी विल बी व्हाट, नॉन जीरो, सो एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज ऑल्सो नॉन जीरो फ्रीक्वेंसी, दिस इज ऑल्सो व्हाट, नॉन जीरो फ्रीक्वेंसी। तो आपको यहाँ से एक बात पता चल रही है कि दिस इज डीसी सोर्स विच इज हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ जीरो, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो है तो इसकी वजह से जो फ्लक्स आएगा, फ्लक्स कैसा आएगा, इसका जो डीसी सप्लाई की वजह से जो फ्लक्स आएगा डैट फ्लक्स विल बी व्हाट, कांस्टेंट फ्लक्स होगा, फ्लक्स क्या होगा, कांस्टेंट फ्लक्स होगा, और किसी भी कांस्टेंट सिग्नल का या कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का जो डिफरेंशिएशन आता है वो क्या आता है जीरो, वो क्या आता है जीरो आता है।
डिफरेंशिएशन की बात क्यों, क्योंकि देखिए जब मैंने आपको अब समझाया था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल्स टू एन डिफाई बाई डी टी, जब मैं आपको समझाता था तो ये क्या है बेसिकली, दिस इज नथिंग बट वॉट डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लक्स है। डिफरेंशिएशन ही क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लक्स। अगर आप डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लक्स चाहते हैं, डिफाई बाई डी टी अगर आप चाहते हो, तो उसका मतलब क्या, दिस इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ वॉट फ्लक्स, डेरिवेटिव ऑफ वॉट फ्लक्स। तो आपके पास जो डीसी सप्लाई है, डीसी सप्लाई की वजह से जो फ्लक्स आएगा वो कैसे होगा, डीसी फ्लक्स होगा। डीसी सप्लाई की वजह से जो फ्लक्स आएगा वो फ्लक्स क्या होगा, डीसी फ्लक्स होगा। और इसके अगर मैं बात करूँ तो एक कांस्टेंट फ्लक्स मतलब क्या है, डीसी फ्लक्स है, एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है बेसिकली। अगर बताओ तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब क्या, इसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ इस साइड आएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो कैसा है, जीरो है। इन केस ऑफ डीसी अगर मैं चाहे तो यहाँ पर लिख देता हूँ, इन केस ऑफ डीसी सप्लाई, ठीक है, इन केस ऑफ डीसी दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू वॉट, जीरो। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गोइंग टू बी वॉट, इट इज गोइंग टू बी जीरो वोल्ट, इट इज गोइंग टू बी वॉट, जीरो वोल्ट, ठीक है। तो अगर मैं इस सप्लाई साइड की जो वोल्टेजेस है, अगर मैं यहाँ पे, अगर सपोज मैं यहाँ पे कोई एक लोड कनेक्ट कर दिया होता, सपोज अगर मैंने यहाँ पे एक लोड कनेक्ट कर दिया होता, अगर इस लोड के इसमें अगर सपोज मैंने देखा होता कि सपोज दिस इज व्हाट, दिस इज दी लोड, ठीक है। तो मैं अगर चाहता कि जो मेरे पास सप्लाई साइड की जो वोल्टेजेस है, अगर इस वोल्टेजेस को अगर मैं प्राइमरी साइड से अगर सेकेंडरी साइड की ओर अगर मैं इसको ट्रांसफर करने की बात करूँ, अगर इस साइड की ओर अगर सपोज मैं इसको ट्रांसफर करने की बात करूँ, तो इस साइड की जो वोल्टेजेस आएगी वो क्या हो जाएगी, 1:2 का जो आपका रेशो है, उस रेशो के प्रोपोर्शन में क्या हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग इस साइड पर ट्रांसफर हो जाएगी। फिलहाल तो ये एक बात पता चल रहा है कि इस साइड के जो वोल्टेजेस है उसका डबल इस साइड के वोल्टेजेस है, सिंपल अगर मैं बताऊँ, क्योंकि मैंने आपको अभी ये नहीं बताया ना कि पैरामीटर रेफर करते हैं तो क्या पैरामीटर्स होते हैं जिनके बारे में सोचा जाता है, ठीक है। अगर मैं इस साइड अगर उनको रेफर करूँ तो सारे वोल्टेजेस क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, क्योंकि इसके नंबर ऑफ टर्न्स डबल दिखा रहे हैं, ट्वाइस है ना, इसके नंबर ऑफ टर्न्स वन है जिसके टू है। अगर थ्री होते तो थ्री टाइम्स वोल्टेज होती इस साइड की, सेकेंडरी साइड की इसके कंपेरिजन में। तो इसकी वोल्टेज कितनी है, देखिए 10 वोल्ट की वजह से कितना वोल्टेज आएगा यहाँ पर, जीरो वोल्ट, प्लस 40 वोल्ट की वजह से कितना आएगा इधर, वो आ जाएगा 80 साइन ओमेगा टी। फ्रीक्वेंसी कितना बनेगा भाई, फ्रीक्वेंसी चेंज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल नहीं भाई, फ्रीक्वेंसी विल बी कांस्टेंट, मैंने समझाया आपको। इसके बाद क्या, दिस विल बिकम, इसकी वजह से जो वोल्टेज आएगा दिस विल बी 8 sin 3t। तो क्या होगा, आपके पास जो सेकेंडरी साइड जो वोल्टेज आ रही है वो कैसे आ रही है, प्योर साइनोसॉइडल वेव आ रही है, मतलब प्योर नहीं आ रही है, उसमें हार्मोनिक्स है, साइन थ्री ओमेगा टी है, वो कुछ भी रहे, लेकिन मेरा मकसद ये था कि मुझे डीसी टर्म नहीं मिलना चाहिए सेकेंडरी में, क्या नहीं मिलना चाहिए था, डीसी टर्म नहीं मिलना चाहिए था। तो आपके पास तो फिलहाल तो सेकेंडरी में जो आउटपुट वोल्टेज जो मिल रही है आपको, मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे जो वोल्टेज आ रही है, दिस वोल्टेज इज नथिंग बट वोल्टेज अक्रॉस दिस वन, इफ आई कंसिडर दिस लाइन एज अ लाइन ऑफ जीरो रेजिस्टेंस, ठीक है, उसमें कुछ ड्रॉप नहीं हो रहा है, ऐसा कंसिडर करो, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आने वाली है सेम वोल्टेज जो यहीं पे आने वाली है। अगर यही वोल्टेज अगर यहीं पे है और इस वोल्टेज में डीसी टर्म नहीं है, डीसी टर्म क्या है, डीसी टर्म तो भाई मेरा जीरो होगा, अगर मेरे पास डीसी टर्म अगर जीरो हो गया तो मेरे पास जो यहाँ पे जो वोल्टेज आ रही है, ये वोल्टेज देखिए कितनी आ रही है, सेकेंडरी की जो वोल्टेज है ई टू ऑप्ट जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है, दिस वोल्टेज इज इक्वल्स टू 80 sin ओमेगा टी प्लस 8 sin 3 ओमेगा टी प्लस वॉट 8 sin 3 ओमेगा टी, दिस इज नथिंग बट वॉट, दिस इज द इंड्यूस वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी। तो आपको यहाँ पे ईएमएफ में जो सेकेंडरी का जो एक्सप्रेशन है उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी का है उसमें आपको कहीं पे डीसी टर्म नजर आ रही है, बिल्कुल नहीं नजर आ रही। इसका मतलब क्या, जो आपका पर्पस था फिल्टरिंग ऑफ डीसी कंपोनेंट, दैट पर्पस हैज बीन फुलफिल्ड, दैट पर्पस हैज बीन वॉट फुलफिल। अगर ये आपका पर्पस फुलफिल हो गया तो मुझे एक बात बोलो, ट्रांसफार्मर को आप इस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो अभी, बिल्कुल डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो यार, क्योंकि आपका मेन मकसद यही होता है, क्योंकि डीसी टर्म और एसी टर्म अगर दोनों मिक्स हो जाए तो उसकी वजह से पावर क्वालिटी वाला कंसेप्ट आ जाएगा, लेकिन अपन को इतना नहीं है फिलहाल सिलेबस में, तो अपन उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मकसद यही था कि अपन को डीसी टर्म नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, डीसी टर्म नहीं चाहिए, ठीक है। तो अपन ने ये देख लिया कि बट इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर में, दिस वाज द लास्ट टॉपिक, फोर्थ नंबर का टॉपिक था, और इसमें अपन ने सारी बातें डिस्कस करी कि ट्रांसफार्मर की जरूरत क्यों पड़ती है, ट्रांसफार्मर का बेसिक एप्लीकेशन कितना कितना है ये अपन ने देखा। इसके पहले मैंने बताया तो आपको, पहला एप्लीकेशन में मैंने बताया कि स्टेपिंग अप एंड स्टेपिंग डाउन द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेजेस एंड करंट, दिस वॉज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, क्या था, स्टेपिंग अप एंड डाउन द वोल्टेजेस एंड करंट, स्टेपिंग, स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना चाहे तो आप, स्टेपिंग एप अप एंड डाउन द वोल्टेजेस एंड करंट, वोल्टेजेस एंड व्हाट, करंट। दूसरा एप्लीकेशन मैंने क्या बताया था आपको, मैंने दूसरा एप्लीकेशन आपको बताया था आइसोलेशन पर्पस के लिए आप ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हो,
कि जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन होने की वजह से क्या होता है ना, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है सर्किट में, क्योंकि नंबर ऑफ हो सकता है थोड़ा सर्किट बड़ा हो जाएगा लेकिन जो सेफ्टी होती है ज़्यादा हो जाती, मतलब ज़्यादा प्रोटेक्ट टू, मैं कह सकता हूँ कि प्रोटेक्टिव या सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जो तीसरा टाइप है मेरे पास, मतलब सॉरी जो तीसरा इसका जो बेनिफिट था, मतलब जो इसका तीसरा एप्लीकेशन मैंने बताया था, वो था आपके पास क्या, इम्पीडेंस मैचिंग। क्या था? इम्पीडेंस मैचिंग। और जो लास्ट टॉपिक है, सॉरी जो लास्ट इसका एप्लीकेशन था, इट वाज फिल्टरिंग ऑफ डीसी कंपोनेंट। इट वाज व्हाट? फिल्टरिंग ऑफ डीसी कंपोनेंट, फिल्टरिंग ऑफ व्हाट? डीसी कंपोनेंट्स। तो इतने अलग अलग टाइप्स है कि मतलब जिनके लिए आप ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हो, और यहाँ पे उनका एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रांसफार्मर का एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये सारी बातें मेरे हिसाब से आप लोगों ने बहुत अच्छे लेवल पे डिस्कस करी है, मतलब समझी है कि मैंने तो डिस्कस किया है। और मुझे सब लगता है कि अब आपको एक बात तो पता चलेगी कि अगर आपको कोई भी पूछे कि व्हाट इज एग्जैक्टली इज गोइंग टू बी द एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, देन दीज आर द मेन एप्लीकेशंस ऑफ द ट्रांसफार्मर, दीज आर व्हाट मेन एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। मैं आपको आगे बताऊंगा स्टेपिंग अप एंड स्टेपिंग डाउन द वोल्टेजेस, इसका सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूँ। आप सबको पता है आपके पास मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल का चार्जर कितना होता है आपके पास? मोबाइल का चार्जर पता है सभी को, ठीक है। आपके पास सप्लाई जो होता है, सप्लाई सिंगल पेज सप्लाई उसकी बात कर रहा हूँ, तो सप्लाई कितना होता है? 230 वोल्ट। क्या होता है? 230 वोल्ट, ठीक है। और आप अगर अपने जो मोबाइल का चार्जर है अगर उसके ऊपर देखोगे तो उसके ऊपर लिखा होता है 5 वोल्ट वगैरह, ऐसा कुछ लिखा होता है, ठीक है, मतलब 12 वोल्ट 5 वोल्ट जो होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं सिंपल बताऊँ तो सपोज अगर मेरे पास 12 वोल्ट ऐसा कुछ लिखा है, क्या लिखा है? 12 वोल्ट 12 वोल्ट ऐसा कुछ लिखा है, 1.5 मिली एम्पीयर वगैरह ऐसा कुछ लिखा होगा, जो लिखा होगा सो होगा, फिलहाल बस सोचिएगा। तो आपको पता है कि भाई अगर ये 230 वोल्ट से अगर 12 वोल्ट चाहिए, तो अगर मतलब 230 बाय 12 वोल्ट इतना अगर मुझे चाहिए, मतलब उसको इनपुट आ रहा है 230 वोल्ट और आउटपुट में दे रहा है कितना? 12 वोल्ट। तो दोनों के बीच में ऐसा कुछ तो कोई कनेक्शन होना चाहिए यार। आपके पास जो बैटरी, बैटरी तो आपके 12 वोल्ट की, 5 वोल्ट की, 10 वोल्ट की, जिस जितनी उसकी डिमांड होगी, जितने उसकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग, अगर 12 वोल्ट की बैटरी और उसको आप डायरेक्टली 230 वोल्ट सप्लाई दे दोगे तो क्या हो जाएगा भाई? बैटरी डैमेज हो सकती है आपकी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज है ना, इसको 230 से 12 वोल्ट तक लाने के लिए दोनों के बीच में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ेगा, सो दैट दैट इंस्ट्रूमेंट विल रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेजेस। तो अपन को ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा कि जिसका रेटिंग कितना होना चाहिए। यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर कनेक्ट किया जाएगा, मैंने बोला कि मैं ट्रांसफार्मर को किस तरीके से निकालता हूँ, इसका जो रेटिंग होगा, इसके रेटिंग को देखिए 230 वोल्ट से अगर मैं चाहूँ तो, अगर मैं चाहूँ तो सपोज अगर मैं इसको 230 वोल्ट से अगर मैं उसको 12 वोल्ट लाने की कोशिश करूँ, तो इन दोनों के बीच में जो ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर का रेटिंग होना चाहिए 230 बाय 12 वोल्ट। कितना होना चाहिए? 230 बाय 12 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे एप्लीकेशन में भी आप उसका एप्लीकेशन देखते हो, मतलब छोटी छोटी जगह पे भी आप उसका एप्लीकेशन देखते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो आपका जो मॉड्यूल 1 होता है, मॉड्यूल 1 का जो लेक्चर 1 था, इंट्रोडक्शन टू ट्रांसफार्मर, दिस लेक्चर हैज बीन कंप्लीटेड। अब अपन पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के एग्जैक्ट एप्लीकेशन के, मतलब उसका ट्रांसफार्मर बेसिकली होता क्या है उसके बारे में अब अपन पढ़ेंगे, ठीक है।